रोजाना ज्ञान वर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 21 अप्रैल 2021 बुधवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी और रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली छाई रहे। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है और आज के दिन ही रामनवमी है। आप जो भी मांगोगे भगवान बजरंग बली से आज आपको सब कुछ मिलेगा। बस आप सच्चे दिल से और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख दें। चलिए हम जानेंगे आज आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 21 अप्रैल 2021 दिन आज बुधवार का है। महीना जो है वो चैत्र का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 12:43 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 12:35 तक चलता रहेगा और इसके आगे शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो पुष्य नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह सुबह के 7:59 तक चलेगा और इसके आगे आश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो शूल नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 6:42 तक चलता रहेगा। इसके आगे गंड नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। त्योहारों की बात की जाए तो आज रामनवमी का दिन है, यानी श्री महातारा जयंती और स्वामी नारायण जयंती है। चलिए अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 6:04 पर और सूर्यास्त का समय शाम के 6:46 पर, और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक 2:01 और चंद्र अस्त का जो समय है वो रहने वाला है रात्रि के 2:40 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा कर्क राशि पर गोचर करेगा। आज का शुभ समय, तो आज के डेट में कोई भी शुभ समय नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आज का अशुभ समय। यह राहु काल की बात की जाए तो यह 2:12:25 से लेकर ठीक 2:02 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें और ना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। जीवन में आगे बढ़ना है तो बाहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। जिंदगी भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी भी चीज का गम नहीं होना चाहिए। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वाले पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। जीवन को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, और उत्तम समय कभी नहीं आता है, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो ये कुछ बातें थी आपके लिए चाणक्य द्वारा। चलिए इसी के साथ जानते हैं आज का सिंह राशि फल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। आज आप आत्मविश्वास से भरे हैं और यह बात आपकी भाव भंगिमा और नजरिए से साफ झलक रही है। आज हर कहीं आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे और अपनी छाप छोड़ जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे महत्वपूर्ण बिजनेस बैठकों में आपके मुताबिक निर्णय लेंगे। अगर स्थितियां आपके पक्ष में नहीं भी दिख रही है तब भी आप उन्हें अपने पक्ष में लेंगे और अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो आप पिछले कुछ समय से अपनी अंतरात्मा की आवाज को उपेक्षित करते आ रहे हैं, जो आपको स्वस्थ जीवन तरीके अपनाने के लिए कह रही है। आप हमेशा से जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपको बताना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आज आप इस पर ध्यान देंगे, पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आप आज अधिक लापरवाही के मूड में नहीं हैं। ऐसी योजना बनाएं जिस पर आप चल पाएं और उस पर
सक्षम हो पाए। अगर आपकी लव लाइफ कीप की जाए तो आप अपने प्रेम से संबंधित रिश्तों में कड़वाहट और जटिलताएं तलाश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बताना चाहेंगे, आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस करेंगे। और साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे और अपने रिश्तों को तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि संभावना है कि आप अपने साथी के बजाय मुद्दे पर ही निहित रहे। आपको ध्यान रखना है कि और कोई भी कदम उठाने से पहले विश्लेषणात्मक तौर पर जरूर सोचें। अगर आपके करियर और धन के बारे में बात की जाए तो घर्षण एवं विचारों की क्षमता और समानता आप और आपके साथी के बीच विकसित होने की संभावना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने विचारों से नहीं हटना है और उसी के साथ रहना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि लेकिन आप चिंता न करें, ये स्थिति एक अस्थायी मन घुटाव को जन्म देगी। हालांकि आपके साथी आपके साथ कुछ थोड़ा सा मन घुटाव सा हो सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जब भी इसका पता चले कि जो आपने किया वह आपने सही सोच कर ही किया था, आपको अपने साथी के ऊपर अधिक दी तो आपको अपने साथी से और भी अधिक सम्मान मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।